हाल में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि शबरीमला मंदिर में हर उम्र की महिलाएं प्रवेश कर सकती हैं। इस निर्णय के पश्चात केरला में बड़ा दंगा फसाद हुआ है। कुछ दिन पहले एक आदमी की तस्वीर पुलिस की वर्दी पहने सोशल मीडिया पर फैलने लगी। इस फोटो के साथ बयान है कि ये वास्तव में CPIM पार्टी का कार्यकर्ता है जिसने पुलिस की वर्दी पहनकर शबरीमला के मंदिर में आए हुए भक्तों पर हमला किया। 24 अक्टूबर को एक सोशल मीडिया यूजर संजीव घोष ने ये ट्वीट पोस्ट किया। इसको करीब 2000 दफे रीट्वीट किया गया है इस दावे के साथ कि जिस आदमी की तस्वीर है उसका नाम है वल्लभ दास जो CPIM का कार्यकर्ता है। कुछ और लोगों ने सोशल मीडिया पर इस व्यक्ति के बालों पर सवाल उठाया ये पूछते हुए कि भला कोई पुलिस अफसर ऐसा हेयर स्टाइल कैसे रख सकता है। RSS के कार्यकर्ता श्री जे नंद कुमार ने जो ट्वीट किया वो लगभग 2700 बार रीट्वीट किया गया है। तो आखिर सच क्या है? सच्चाई ये है कि छवि में जो व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहना हुआ है वो वास्तव में पुलिस वाला ही है और CPIM का कार्यकर्ता नहीं है। इनका नाम है आशिक और वल्लभ दास नहीं। 25 अक्टूबर 2018 को केरला पुलिस ने फेसबुक पोस्ट के जरिए स्पष्ट किया कि आशिक KAP 5th Battalion में पुलिसमैन हैं और शबरीमला की ड्यूटी पर हैं। केरला पुलिस ने सोशल मीडिया यूजर्स से अपील किया कि जाली खबरों से सावधान रहें। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद शबरीमला मंदिर के अंदर और बाहर तनाव का माहौल चल रहा है और सोशल मीडिया पर निर्णय के विरोधी और समर्थक दलों के बीच भी उतना ही तनाव है। पुरानी और बेमतलब फोटोज का प्रयोग करते हुए केरला की सरकार और केरला पुलिस को गलत दावों और जाली खबरों का निशाना बनाया जा रहा है। तस्वीरें बहुत आसानी से अलग अलग रूप में प्रकट करी जा सकती हैं और साथ साथ प्रचार प्रसार भी बदला जा सकता है। अगर कोई भी न्यूज रिपोर्ट फॉरवर्ड या अफवाह आपको जज्बाती लगे तो कृपया उसकी जांच करें, जिम्मेदारी से शेयर करें ताकि हम सब साथ मिलकर फेक न्यूज का सामना कर सकें। धन्यवाद।